तो ये अभी जो स्क्रीन पर आपको चीज़ नज़र आई है, ये स्पेन की फैमिली वीज़ा से रिलेटेड अपॉइंटमेंट थी जो अक्टूबर के महीने की सारी की सारी बुक भी हैं, ज़्यादातर ओपन हैं। जो ग्रीन स्लॉट्स आपको नज़र आ रही है ओपन है, रेड वाले जो हैं वो बुक हो चुके हैं। सबसे मज़े की बात जो स्पेन की है वो ये है कि यहाँ पर अगर आपके 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उन सभी की अपॉइंटमेंट लेने की नहीं ज़रूरत, सिर्फ सिर्फ वालदा की अपॉइंटमेंट होगी तो सभी का जो है वो केस सबमिशन हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है कि वाइफ है वो किसी देहात में रहते हैं। आपको पता है कि पहले जब स्पेन के अपॉइंटमेंट को बुक किया जाता है तो सबसे पहले तो इसका एक लॉन्ग टर्म डी कैटेगरी का फॉर्म होता है, उसको फिलअप किया जाता है। फिर जिसने अपॉइंटमेंट लेनी होती है उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। उसके बाद जिस पर्सन ने की ने सबमिशन करवाने जाना है तो उसकी जो है वो पिक्चर अपलोड होती है, फिर फीस की पेमेंट होती है, और फीस की पेमेंट के बाद एक लाइव सेशन आता है, तो जिस उसके बाद जाकर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपके सामने आता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फैसिलिटीज देने जा रहा हूँ कि अगर आप गाँव में किसी भी इलाके में बैठे हुए हो और अगर आप चाहते हो कि हम आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स बुक करें विद योर कंसेंट, तो आप जहाँ मर्जी बैठे हों हम वहाँ से बैठ कर ही आपकी लाइव सेशन करते हुए जो है अपॉइंटमेंट्स को जो है वो बुक कर सकेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद से काम नहीं करना पड़ेगा, हम सारा काम करके एट देन लाइव सेशन जब आएगा तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो है अपॉइंटमेंट्स को जो है वो बुक कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग फॉर ऑफिस अटेस्टेशन ट्रांसलेशन फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप असिस्टेंस चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली मैंने आसानी पैदा करने के लिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कि अपॉइंटमेंट्स खुद से बुक नहीं हो पाती। अदरवाइज़ अगर आपको लैपटॉप आपके पास है, अगर आपके पास मोबाइल है और आपको ये सारा सारा फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना आता है तो उस भी यहाँ पर आप खुद भी इसकी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास मास्टर कार्ड होना चाहिए और उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के असिस्टेंस भी चाहिए तो उसकी गाइडलाइन के थ्रू भी आप जो है वो अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। तो स्पेन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मस्ट है, जो कि TCS BLS में जाकर सबमिशन होती है। तो इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपके कितने बच्चे हैं, मेन चीज़ ये है कि मेन एप्लीकेंट जाकर अपनी फाइल की सबमिशन करवा सकता है। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जान को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।